नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंदे, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज का अपना अध्ययन बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आधुनिक मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन पिछली लेक्चर में अपन चर्चा कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के माध्यम क्या है और उस प्लस स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या दी है। तो अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, क्योंकि अपन पृथ्वी की आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम गहराई तक देख पाते हैं और इसलिए उसके प्रत्यक्ष स्रोत बहुत कम है और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना है, उसी से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान और उसके परतों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें जो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जो कि पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में बांटा है, सियाल सीमा और निम्न सियाल सीमा और उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी बहुत पतली परत है वो क्रस्ट के रूप में, वो पट्टी के रूप में बताई थी। तो स्वेस महोदय ने इसकी आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में बताया है, सियाल सीमा और निम्न। किंतु आधुनिक मत के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उस पर नवीन प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इसमें जो भूकंप तरंगों की गति और उनका अध्ययन किया जाता है, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और भूकंप टोमोग्राफी के अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नवीन प्रकाश डाला गया है और उस नवीन प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी परत है वो क्रस्ट कराती है, बीच वाली परत मध्य की परत जो है मेंटल कराती है और सबसे जो आंतरिक भाग है वो कोर कराता है या अंतरंग कराता है। तो आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है और ये जो तीन भागों में बांटा गया वो भूकंपीय तरंगों की गति और उनके वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण और भूकंपीय टोमोग्राफी के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी परत है बहुत कम मोटाई की होती है, इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर के आसपास के लगभग है और इसकी महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भागों में ये 5-10 किलोमीटर मोटी होती है। ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे कम पतली है, कम गहराई की है और इसमें परतदार विच्छिन्न चट्टानों की अधिकता होती है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता होती है, किंतु निचले महासागरीय तली भागों में बेसाल्ट चट्टानों की भी अधिकता इसमें पाई जाती है। इस जो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.7 है, जबकि निचले जो क्रस्ट है उसका घनत्व 2.9 है। ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, ये महाद्वीपीय भागों को बनाती है और ये इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है और महाद्वीपीय भागों को बनाती है। इसकी चट्टानें अम्लीय स्वभाव की होती है, ये जो इसका जो घनत्व है 2.7 तक पाया जाता है, जबकि जो निचला क्रस्ट है उसका घनत्व 2.9 तक होता है और इसमें जो है सारे स्वभाव की चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें अधिक पाई जाती है। ये महासागरीय तली वाले भाग को बनाती है, जबकि ऊपरी क्रस्ट महाद्वीपीय भागों को बनाता है। तो इस प्रकार से क्रस्ट दो प्रकार का होता है, एक ऊपरी क्रस्ट और दूसरा निचला क्रस्ट। उसके आगे की जो उसके नीचे की जो परत है वह कहलाती है मेंटल। ये मेंटल जो है मध्य भाग कहलाता है, मध्य परत कहलाती है इसकी, पृथ्वी की आंतरिक परत की मध्य परत ये कहलाती है। ये तीन भागों में बटी हुई है, मेंटल को तीन भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी जो मेंटल है उसकी जो गहराई है वो 200 किलोमीटर तक आई जाती है और मध्य मेंटल की गहराई 200 से 700 किलोमीटर तक होती है, जबकि निचले मेंटल की गहराई 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कोर भूपरपट्टी से लेकर मेंटल की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये इसका घनत्व भी अलग अलग, तीनों परतों में घनत्व भी अलग अलग देखने को मिलता है कि जैसे 2.9 तक भूपरपट्टी का घनत्व था और 3 से लेकर 5.5 तक मेंटल का घनत्व पाया जाता है। 3 से लेकर 5.5 तक मेंटल का घनत्व पाया जाता है, किंतु मेंटल भी तीन भागों में बटा हुआ है,
तीन भागों में बटा हुआ है, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निचले मेंटल। इनकी गहराई भी अलग अलग है। ऊपरी मेंटल की गहराई 200 किलोमीटर तक है, इसकी गहराई, मध्य मेंटल की गहराई 200 से 700 किलोमीटर तक है, जबकि निचले मेंटल की गहराई 700 से 2900 किलोमीटर तक है। ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वह 3 से लेकर 3.3 तक है, जबकि मध्य मेंटल का घनत्व जो है 3.3 से लेकर 4.3 तक है, और निचले मेंटल का घनत्व 4.3 से लेकर 5.5 तक पाया जाता है। तो ये इसका घनत्व और गहराई इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब ये भी है कि जो प्रॉपर्टी और मेंटल, उसके बीच में एक संक्रमित या संक्रमण वाली परत पाई जाती है, जिसमें जो दोनों को सेपरेट करती है, जिसमें दोनों के मिक्स लक्षण पाए जाते हैं, वो उन परतों के बारे में भी अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। उसको उनको भी जानना अपने उनको भी जानना अति आवश्यक होता है। जैसे ऊपरी भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में, भू प्रॉपर्टी और मेंटल दोनों अलग अलग परतें हैं, दोनों परतों के बीच में एक संक्रमण परत पाई जाती है जिसे मोह असमानता के नाम से जाना जाता है। भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट और मेंटल दोनों के बीच में एक संक्रमण परत पाई जाती है, उसे मोह असमानता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में भी एक संक्रमण परत पाई जाती है जो दोनों को सेपरेट करती है, और उस संक्रमण परत में उसके नीचे वाली परत में अलग लक्षण पाए जाते हैं, उसके ऊपरी वाली परत में अलग लक्षण पाए जाते हैं, किंतु उस संक्रमण परत में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वो देखते हैं ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में भी, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में भी एक संक्रमण परत पाई जाती है जिसे रेटी असमानता के नाम से जाना जाता है। जिसे किस उस संक्रमण परत को क्या नाम से जाना जाता है? रेटी असमानता। ये भी दोनों जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से अपन आगे बात करते हैं कोर की। कोर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, सबसे निचला भाग है, और जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, आंतरिक केंद्र बिंदु है, वहां तक इसकी गहराई पाई जाती है। ये जो कोर है उसको कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर जो मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर पाया जाता है, और 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक की गहराई तक जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु, आंतरिक केंद्र बिंदु है, वहां तक जो है वो आंतरिक कोर की परत देखने को मिलती है। तो कोर भी जो सबसे आंतरिक परत है, जिसे अंतरम भी कहते हैं, और वो भी दो भागों में बटी हुई है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, और इनकी गहराई भी इस प्रकार से है। इनका घनत्व भी अलग अलग देखने को मिलता है। बाह्य जो कोर है उसका घनत्व 10 से लेकर 12.3 तक, 10 से लेकर 12.3 तक इसका घनत्व पाया जाता है बाह्य कोर का, जबकि आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो 13.3 से लेकर 13.6 तक इसका घनत्व देखने को मिलता है। आंतरिक कोर का घनत्व 13.3 से 13.6 तक होता है। तो ये घनत्व भी अलग अलग इसका देखने को मिलता है, गहराई के साथ घनत्व भी। और जैसा कि अपन जानते हैं, जो इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के माध्यम से ताप, दाब, घनत्व, उसमें भी अपन देखते हैं जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो घनत्व भी बढ़ता है, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो दाब भी बढ़ता है। तीनों ही चीज गहराई में जाने से बढ़ रही थी। तो यहाँ भी अपन को घनत्व का ऊपर से लेकर भू प्रॉपर्टी से लेकर केंद्र बिंदु, जो पृथ्वी का आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु, केंद्र बिंदु है, वहां तक घनत्व बढ़ता जा रहा है, 2.7 से लेकर 13.6 तक हो जाता है। तो ये घनत्व भी बढ़ता रहा। इसी प्रकार से जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु का जो टेम्परेचर है वो भी 6000 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 6000 सेंटीग्रेड होता है, तो वो गर्म टेम्परेचर भी पृथ्वी जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। तो ये है पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कोर, और कोर में भी यहाँ भी अपने को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो दो संक्रमण परत जो कि दोनों ऊपरी और निचली परत को अलग करती है, उसमें मिक्सर लक्षण उसमें पाए जाते हैं, वो भी अपने को देखना है। जो मेंटल और कोर, जो मेंटल और कोर, मध्य परत मेंटल है और आंतरिक परत कोर है, उन दोनों को भी अलग कर, दोनों के बीच में भी उन दोनों को अलग करने वाली एक संक्रमण परत पाई जाती है, जो जिसे अपन भूटेनबर्ग या विचर्ड असमानता के नाम से जानते हैं।
गुटेनबर्ग या विक्टर असमानता के नाम से जानते हैं, जो मेंटर और कोर को अलग करती है। और जिस इस संक्रमण परत में मेंटर और कोर दोनों के मिक्सित लक्षण पाए जाते हैं, किंतु इसके ऊपर मेंटल के लक्षण पाए जाते हैं और इसके नीचे कोर के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये है असमानता, जिसे गुटेनबर्ग असमानता या विक्टर असमानता कहते हैं, ये मेंटल और कोर को अलग करती है। इसी प्रकार से जो कोर के दो भाग है, बाह्य कोर आंतरिक कोर, उनके बीच में भी एक संक्रमण परत पाई जाती है और वो भी बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। उस संक्रमण परत में भी बाह्य कोर आंतरिक कोर के दोनों के मिक्सिस लक्षण पाए जाते हैं। वो बाह्य कोर में अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, आंतरिक कोर में अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। और ये जो दोनों बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है वो असमानता कहलाती है, कोनार्ड असमानता। जो ये दोनों के बीच में जो संक्रमण परत है बाह्य कोर आंतरिक कोर के बीच में, उसको कोनार्ड असमानता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये चार अलग अलग प्रकार की असमानता है, मोह असमानता जो भूपट्टी और मेंटल को अलग करती है, रेप्टी असमानता जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है, गुटेनबर्ग या विक्टर असमानता जो मेंटल और कोर को अलग करती है, और जो कोनार्ड असमानता है वो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। और ये चारों ही जो संक्रमण पड़ते हैं ये दो परतों के बीच में पाई जाती है। इनमें जो संक्रमण पड़ता है उसमें तो मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, किंतु उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों में भिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये चार प्रकार की असमानता को भी अपन ने जानना अति आवश्यक है। और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आधुनिक मत के अनुसार से तीन प्रमुख परतें बताई गई है। सबसे ऊपरी परत जो सबसे कम मोटाई की होती है, जिसे अपन क्रस्ट के नाम से जानते हैं, मध्य की परत जो बीच वाला भाग होता है उसे मेंटल के नाम से जानते हैं, और कोर जो सबसे आंतरिक भाग है जिसे अंतरम भी कहते हैं, इसको कोर या अंतरम के नाम से जानते हैं। वो क्रस्ट जो भूपट्टी है दो भागों में बटी हुई है, बाह्य ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसी प्रकार से मेंटल भी तीन भागों में बटा हुआ, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। और कोर भी दो भागों में बटी हुई है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इनकी गहराई और घनत्व भी अलग अलग है, और इनको इनके बीच में जो संक्रमण परतें पाई जाती है उसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आधुनिक मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन भागों में बांटा गया है। अब आगे ये देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो तीनों आंतरिक परतें बताई गई है उनमें आयतन और द्रव्यमान का कितना कितना पार्ट रहता है। तो अपन क्रस्ट में देखते हैं तो जो क्रस्ट कुल पृथ्वी के आयतन का 0.5% आयतन रखती है, जबकि मेंटल जो है सबसे ज्यादा भाग मेंटल का है आयतन में, वो 83.5 भाग पूरी संपूर्ण पृथ्वी के कुल आयतन का 83.5% भाग मेंटल रखता है, और 16% भाग ये कोर रखता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान में देखते हैं तो टोटल जो पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान है उसमें से 0.2% भाग क्रस्ट रखता है, 67.8% लगभग 68% भाग रखता है मेंटल, और 32% भाग जो रखता है वो कोर रखता है। तो ये द्रव्यमान की जो पृथ्वी की आधुनिक मत के अनुसार जो तीन परतें हैं उनमें कितना परसेंट द्रव्यमान किस परत का है, कितना परसेंट आयतन किस परत का है, इसके बारे में भी जनरल नॉलेज के प्रश्नों में भी पूछा जाता है, और ये जानकारी भी अपने को होना अति आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से परतों में, इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में किन किन तत्वों की अधिकता होती है और भूपट्टी में किन किन तत्वों की अधिकता होती है। तो संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी में फेरस जो लोहा है वो 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकन जो है सिलिका वो 15% है, और जो मैग्नीशियम है वो 13% है। चारों तत्वों की अधिकता होती है संपूर्ण पृथ्वी के आयतन में देखते हैं तो, किंतु केवल भूपट्टी का जो ऊपरी भाग है, केवल ऊपरी परत का जो प्रतिशत देखते हैं इन तत्वों का, तो सबसे ज्यादा जो भूपट्टी में जो सबसे ज्यादा जिस तत्व की अधिकता होती है वो ऑक्सीजन होता है 46.8%, इसी प्रकार से सिलिका होती है 27.9%, और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 8.1%, और फेरस जो है 5%। तो इन चारों तत्वों की भूपट्टी में अधिकता होती है। तो भूपट्टी के तत्व अलग है और संपूर्ण पृथ्वी के तत्व अलग है। भूपट्टी में अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जा रही है वो ऑक्सीजन की है, ऊपरी वाला भाग है ऑक्सीजन, वो इसलिए भी है कि जीवों संपूर्ण सजीव वर्ग के लिए भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना आवश्यक है और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होना आवश्यक है। किंतु संपूर्ण पृथ्वी में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जा रहा है वो फेरस है,
यानी लोहा है। लोहे की कहानी, लोहे और निकिल की अधिकता जो आंतरिक भाग में पाई जाती है, अंतरम भाग में पाई जाती है, कोर भाग में पाई जाती है, इन्हीं दोनों तत्वों की अधिकता के कारण, निकिल और लोहे की अधिकता के कारण ही पृथ्वी में एक विशेष गुण जो है चुंबकत्व का गुण, वो भी इसी दोनों तत्वों के कारण ही पाया जाता है। पृथ्वी का एक विशेष गुण जो चुंबकत्व का गुण है, वो भी निकिल और लोहे के कारण ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किसके अनुसार? आधुनिक मत के अनुसार। पिछले अध्याय, पिछले लेक्चर में अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के माध्यम और स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा था, किंतु आज आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है। धन्यवाद साहब।